मैं जा रहा हूँ राशन लेने के लिए, ये देख सकते हैं मैंने थैला ले लिया है। दोस्तों मैं आटा पिसवा के आ चुका हूँ, देख सकते हैं ये रहा आटा। तो यही वो ट्रैक्टर है जिसपे की मैं बात कर रहा था, इसी पे मैंने वेल्डिंग मारा। कहाँ पे वेल्डिंग मारा है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 8 बजे नल खुला है, 8 बजे रात की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है 8 बजे से ही खुला था। तो उधर भी मैंने सारा कुछ भर लिया है टंकी। तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आज जो है मैं जा रहा हूँ राशन लेने के लिए, ये देख सकते हैं मैंने थैला ले लिया है और राशन का जो कार्ड होता है वो भी ले लिया है। तो मिल रहा है चावल और गेहूँ, तो बहुत दिनों से इंतज़ार भी था इस चीज़ का कि मिले, क्योंकि मैंने गाड़ी देखा था आया है। जितने भी राशन के बोरे होते हैं, चावल के बोरे होते हैं और गेहूँ का जो बोरा होता है वो एक गाड़ी में आता है, रेकी कोटा में आता है, तो मैंने जाते हुए देखा था। तो अब वो आ चुका है, सबके यहाँ बांट रहा है, मतलब जितना भी राशन कोटा वाला होता है वो सभी बांट रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मुझे जहाँ पर मिलता है वहाँ पर भी मिल रहा है, सभी लोग ला रहे हैं। जो जो लोग लाते हैं जिस जगह से मैं भी लाता हूँ, वो लोगों को मैंने देखा लाते हुए, तो उससे पूछा भी तो उसने कहा कि हाँ मिल रहा है, जाओ ले लो। तो मुझे भी लेना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मुझे जाना है जयपुर। ये वाला अगर उठा लूँगा, क्योंकि मैं ही जाता हूँ तो उठता है, अब क्या है कि मैं उठा लूँगा ये राशन पानी उठा लूँगा और माँ जो है अपना आराम से गुजर बसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे हो सकता है 10 दिन लग जाए वहाँ पर। तो ये जो है राशन उठा के दे दूँगा, थोड़ा सा राशन मुझे ले कर भी जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जयपुर में सब रोटी खाते हैं और हम लोगों को जब तक भात ना मिले हम बिहारियों को, तब तक सब्र नहीं होता। तो इसी वजह से जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा जयपुर भी लेकर के जाऊंगा, खास करके चावल सब्र नहीं होता है, जब तक चावल ना खाऊं ना दोपहर में तो सब्र नहीं होता है। तो दोस्तों मैं राशन लेकर के आ चुका हूँ, देख सकते हैं इस पर है चावल और इस पर है गेहूँ, ये रहा गेहूँ और ये रहा चावल। तो गेहूँ है दोस्तों 15 केजी, तो चावल है दोस्तों 15 केजी और गेहूं है 5 केजी, तो 20 केजी मिलता है। 4 लोग हैं हम लोग, मैं हूं, मेरी माँ है और खुशबू है और काशिफा, ये 4 लोगों का नाम चढ़ा हुआ है। अलीना तो भी बहुत छोटी है, उसका तो आधार कार्ड भी नहीं बना है, तो उसका नाम चढ़ेगा, आधार कार्ड बनेगा, उसके बाद मुझे थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसका भी चढ़ जाएगा नाम, तो 5 लोगों का मिलेगा 25 केजी मिलेगा। तो 20 केजी जो मिलता है तो वो दोनों मिला करके मिलता है, गेहूं और चावल दोनों मिला करके 20 केजी, तो 15 केजी देता है चावल और 5 केजी देता है गेहूं। यह मेरा राशन कार्ड। और दोस्तों अभी अभी मुझे आवाज़ दिया गया है, अभी अभी एक ट्रैक्टर वेल्डिंग करने के लिए आया है, तो जा रहा हूँ अब ट्रैक्टर को वेल्डिंग करूँगा, वेल्डिंग मशीन निकालूंगा, दुकान को खोलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यही वो ट्रैक्टर है जिसपे की मैं बात कर रहा था, इसी पे मैंने वेल्डिंग मारा। कहाँ पर वेल्डिंग मारा है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा इस जगह पर मैंने वेल्डिंग मारा, ये देखिए इस जगह पर मैंने वेल्डिंग मारा है, यही टूट गया था, तो इसके मुझे 50 रुपये दिए जाएंगे। 50 रुपये में बात हुआ था, 100 रुपये मैंने कहा था तो उसने कहा नहीं 50 हज़ार, मैंने कहा ठीक है चलो यार भागते चोर की लंगोटी ही सही, जो बोहनी हो जाए। तो मैंने इसे मार दिया है और अभी आएगा जो ट्रैक्टर चलाता है या फिर इसका जो मालिक है वो आएगा, तो 50 रुपया दिए जाएंगे मुझे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं कोटा गया था राशन लाने के लिए, चावल लेकर के आया था और गेहूँ लेकर के आया था, तो गेहूँ को तो पिसाना ज़रूरी है, तो उस वक्त मुझे मिला नहीं कोई पिसाने के लिए। तो अभी एक लड़का मिला है, वो गेहूँ पिसाने जाएगा, वो भी कह रहा था कि मुझे भी पिसवाना है, तो मुझे एक लड़के की ज़रूरत थी, क्योंकि बाइक में जाऊँगा तो पीछे बैठ के कौन पकड़ेगा, तो उसे लेकर के जाऊंगा और उसको भी, उसका भी जो है गेहूं पिस जाएगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूं, ठीक है आप देख सकते हैं ये रहा गेहूं का थैला, और चलता हूं गेहूं को पिसाने के लिए, अब मिलेंगे आपको वहां पे जहां पे गेहूं पिसाई होते हैं खुद ही। तो दोस्तों मैं आटा पिसवा के आ चुका हूँ, देख सकते हैं ये रहा आटा पिसवा लिया है, और मुझे इस टीन के डब्बे में इसे डालना है, और डाल करके मेरा ये वाला काम तमाम हो जाएगा, घर का टेंशन खत्म हो जाएगा, आटा मैंने दे दिया है और मम्मी रोटी खाते रहेगी। तो चलिए दोस्तों पहले जो है मैं इसे डाल देता हूँ टीन के डब्बे में। तो दोस्तों कुछ दिनों से नल बहुत परेशान कर रहा था, नल नहीं खुल रहा था दोस्तों, कुछ पैप वगैरह फट गया था, तो मुखिया को भी हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तो उस वक्त तो नहीं सुनवाई हुई थी, लेकिन अब जो है नल खुल रहा है अच्छी तरह से। अभी बज रहे हैं 8, लेकिन 8 बजे नल खुला है, 8 बजे रात की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ सुबह में नल खुलता है, करीब 7 बजे या 6:30 बजे के अंदर नल खुलता है, और फिर शाम में खुलता है 5 बजे के अंदर, 5 बजे खुलता है, तो आज बेटाइम में खुला है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए मैं पानी भर रहा हूँ अभी, ये देखिए अब बंद होने वाला है, बहुत देर से खुला है ये, अभी 8:30 बज रहा है, 8 बजे से ही खुला था,
तो उधर भी मैंने सारा कुछ भर लिया है, टंकी वगैरह भर लिया है, और इधर भी जो है बाथरूम है इसको भी भर दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो अच्छा लगा, चलो कम से कम अब ये वाला जो है प्रॉब्लम भी दूर हो चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो मेरा इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।